अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नियाजी स्टिचिंग सेंटर। आइए हम आज आप लोगों को मास्क, फेस मास्क बनाना बताते हैं। उसके लिए हम ये पेपर भी कटिंग करना बताएंगे, ड्राफ्टिंग बताएंगे, पेपर कटिंग करना भी बताएंगे और कपड़े पर ड्राफ्ट करना बताएंगे और स्टिचिंग भी बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले इसका मैथ बताते हैं। मेरा लंबाई है 10 इंच और प्लस करना है 1 इंच, तो 11 हुआ और 11 बटे 2 इक्वल टू 5.5, यानी कि 5.5 मेरा लंबाई निकला। और चौड़ाई है 5.5 प्लस 1/2 इंच, तो हो गया 6, उसको भी 6/2 करेंगे तो 3 निकला चौड़ाई। लंबाई मगर निकल गया 5.5 इंच और चौड़ाई निकल गया 3 इंच। ये गोलाई का शेप, ये गोलाई जो देने वाले हैं इसका शेप है, इसका ये शेप है 1 इंच और नीचे का डाउन करेंगे, नीचे यहाँ से यहाँ डाउन किए हैं 1 इंच 2 सूत। और इलास्टिक की लंबाई 5 इंच है और प्लस 1 इंच करेंगे, एक्स्ट्रा रखेंगे, बन के मेरा 5 तैयार होगा लेकिन एक्स्ट्रा लेंगे 1 इंच, इसलिए 6 इंच इतना हो गया नाप। अब हम इसका यहाँ पे कॉपी पे ही ड्राफ्टिंग पहले कर लेंगे। तो इसका लंबाई ये है और ये चौड़ाई इसको, तो ये लंबाई जो है ये निकला है मेरा 5.5 इंच, यहाँ से यहाँ 5.5 इंच लेंगे। और ये चौड़ाई जो है यहाँ से यहाँ 3 इंच निकला है, चौड़ाई 3 इंच, तो 3 लेंगे, 3 लेके डब्बा तैयार करेंगे। 4 तह में लेंगे ये कपड़ा, 4 तह में लेंगे, 6.5 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा मेरा कपड़ा 4 तह में होगा। उसके बाद अब यहाँ से यहाँ 1 इंच लेंगे, यहाँ से यहाँ 1 इंच लिए हैं जो हम यहाँ लिखे हैं गोलाई का शेप 1 इंच, और नीचे जो है डाउन किए हैं यहाँ से यहाँ वो है 1 इंच 2 सूत लेकर के। अब इसको यहाँ से यहाँ ऐसे करके इसको गोलाई में इधर मिला दिए और इसको इस तरह से शेप देके इसको इसमें मिला दिए, तो ये मेरा इसका ड्राफ्ट हो गया कॉपी पे। अब हम चलते हैं पेपर पे, इसको भी काट के दिखा देते हैं। चलिए अब हम आपको पेपर पर भी इसका ड्राफ्ट करना सिखाते हैं। सबसे पहले ये 11 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा पेपर ले लिए, कपड़ा पेपर लिए, इसको 6 इंच चौड़ा है और लंबा जो मेरा है, जो मेरा अभी ड्राफ्ट बना, हिसाब मैथ बना, उसके हिसाब से मेरे 11 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा हो गया। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, इसको 4 तह करेंगे, ये हो गया 2 फोल्ड में, फिर इसको ऐसे किए, ये हो गया 4 तह, 4 तह हो गया। अब ये लंबाई मेरा आ गया 5.5 इंच और ये हो गया 3 इंच, जो कि अभी हम ड्राफ्ट में भी करके कप इसमें दिखाए थे, तो वो हो गया मेरा। अब हम यहाँ ले लेंगे, ऐसे रखेंगे कपड़ा को, ये बंद भाग इधर रहेगा और ये खुला भाग इधर है, तो यहाँ से इस बंद भाग से यहाँ से हम 1 इंच 2 सूत पर निशान लगाएंगे, 1.2 पर एक निशान लगाएंगे और इधर से 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे, लगाए उसके बाद इसको यहाँ से इसको इसमें मिला दिए और इसको यहाँ से ऐसे इसको यहाँ मिला दिए, ये हो गया, ये मेरा बन करके पेपर पैटर्न हो गया। अब इसको हम काट के दिखा देते हैं। ये हो गया इस तरह से, ये मेरा पेपर पैटर्न बन के तैयार हो गया। इसको हम बना लेंगे अगर तो, मेरा कम से कम कपड़े में भी हम इसको रख रख के बार बार भी काट सकते हैं, जाके बार बार ड्राफ्ट नहीं करना पड़ेगा हमको, बार बार रख के काट लेंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा काट सकते हैं, हर बार में इतना ज़्यादा हमको ड्राफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक बार कर करके इसको रख के भी काट सकते हैं, इसलिए इसका ज़रूरत है। ऐसे हम डायरेक्ट कपड़ा पर भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये भी एक सहूलत है कि जिससे मेरा बार बार हमको ड्राफ्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये मेरा पेपर पैटर्न बना, अब हम कपड़े पर करते हैं। अब ये कपड़ा है, कपड़ा भी 11 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा, ऐसे 2 तरह कपड़ा हम ऐसे रख दिए, बराबर से ऐसे रख दिए, रखने के बाद इसको ऐसे फोल्ड कर दिए, ऐसे फोल्ड किया, ये हो गया 4, फिर ऐसे इसको एक बार और फोल्ड कर दिए, इसको एक बार और फोल्ड कर देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ से हमको उसी तरह
भी सीधा कर लिए, बराबर हो गया। अब यहाँ से इसको यहाँ से इस तरह से करके इसको ऐसे गोलाई में शेप दे देंगे और इसको ऐसे इसको यहाँ शेप दे दी, हो गया। अब इसको कटिंग करके दिखाते हैं। तो सिल के दिखाएंगे, हम इसको यहाँ से यहाँ तक इसे सिलाई करेंगे, इसमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे, इसमें इस तरह से सिलाई करेंगे। अब हम आपको सिल के भी दिखाते हैं। अब हम इसको सिलाई करके दिखाते हैं, इसको इस दोनों को मिला के यहाँ से यहाँ तक सिलना है। एक चाँप की दूरी रखते सिलेंगे। अब इसको दो तीन जगह कट करा कर दें, कट कर दें दो तीन जगह, दोनों में कट कर देंगे। उसके बाद इसमें ऐसे उठा के इस पर एक दाब सिलाई चला देंगे। सिलाई को इस तरफ रखना है, जिधर सिलाई कर रहे हैं उधर कपड़े को रखना। सिलाई हो गया, यहाँ बराबर कर लेते हैं। एक का इधर इधर है तो एक का इधर है ये सिलाई, तो दूसरे को इस तरफ रखते हैं। रख करके एक चाप इससे सिलेंगे। इसी तरह इसको भी इधर इधर भी सिल देंगे, इसको बराबर करके, इसको ऐसे बराबर करके दोनों सिलाई का ज्वाइंट करके इसको उलट दें। यहाँ पे इतना हमको मोड़ लगेगा ऐसे, इसमें भी लगा देंगे, इसके इसमें भी लगा देंगे, इतना हमको मोड़ देना है। अब इसको हम इस तरह से इसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे। मोड़ दिए, ऐसे हो गया ये बराबर, इधर भी इसी तरह मोड़ देंगे। नाप भी लेंगे, मेरा दोनों बराबर होना चाहिए, लंबाई बराबर आ गया। और इस पर प्रेस कर देंगे, आयरन कर देते हैं। ये वो हम फीता भी लगा सकते हैं, इलास्टिक भी लगा सकते हैं। अभी हम फीता ही लगा दे रहे हैं। इसको नाप लेंगे यहाँ से 6 इंच, 6 इंच निशान लगा दिए यहाँ पे। इसको ऐसे करके डबल कर लेंगे,
अब हम इसके अंदर इसको डाल देंगे, इसे इसको इसके अंदर डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे, इसको यहाँ डाल देंगे, इसको यहाँ डाल देंगे, पिन लगा दिए और यहाँ पर भी इसको डाल के ऐसे पिन लगा देते हैं। अब सिलाई करेंगे। आगे पीछे करके इसको सिलाई कर देंगे। इस तरह से ये पूरा हो गया। आगे पीछे कर दूँ, ये मेरा मास्क तैयार है। ये मेरा मास्क तैयार। ये पेपर पैटर्न जो हम पहले बनाए थे, इसका यूज़ और ज़्यादा इसलिए है कि इसका हम ना, जैसे कि ये मेरे पास कतरन वाला कपड़ा रहता है, हर आदमी के घर में कुछ ना कुछ कतरन वाला कपड़ा रहता है, उससे हम ये रख करके आसानी से निकाल देते हैं और बार बार ड्राफ्ट भी नहीं करना पड़ता है। जैसे कि ये मेरे पास कपड़ा है, एक कपड़े का कटा हुआ बचा हुआ कपड़ा है, उसमें हम ये पता करेंगे कि मेरा कहाँ से कैसे निकलेगा, तो हम इस तरह से करके निकाल भी सकते हैं। जैसे ये है, ऐसे करके निकाल लिए, ये ऐसे है, तो इसमें हम निशान लगा लेंगे इस तरह से, ऐसे निशान लगा के भी निकाल सकते हैं। इस तरह से निशान लगा लेंगे तो एक पता चल गया कि यहाँ से निकल रहा है, दूसरा हमको दो पीस में निकालना है, एक यहाँ से हम निकाल लेंगे। इसी तरह से निशान लगा के हम काट के निकाल लेंगे। ये मेरा बचा हुआ कपड़ा में से भी हम निकाल सकते हैं। ये मेरा हेल्प कर देगा, ये पेपर पैटर्न हमारा हेल्प करेगा। समझ में नहीं आएगा, जो बिगिनर है उनको समझ में नहीं आएगा किस कपड़े से कहाँ से कैसे निकालें, तो इस तरह से रख करके भी हम निकाल सकते हैं। दूसरा है, इसी तरह है कि जैसे जब हम निकाल लिए, ये भी हम इसी तरह से कतरन में इसे ही निकाले हैं, इसको फोल्ड करके रखे हैं, इस तरह से रख करके इसमें आयरन कर दिए, चिपक गया है, और उसके बाद बस इसको रख देंगे इस तरह से, और कुछ भी इस पर ड्राफ्ट बार बार नहीं करना है। ऐसा बहुत सारा हम करके रखेंगे और ये दाग लगाएंगे इस तरह से, सिर्फ दाग लगाएंगे बस तुरंत, और ऐसे काट के निकाल लेंगे, कैंची से इसको काट के निकाल लेंगे। इस तरह से हमको बार बार ड्राफ्ट नहीं करना पड़ेगा, इसके सहारे से हम कपड़े को भी आसानी से निकाल सकते हैं, चौकोर करके भी निकाल लेंगे, उसके इस तरह से करके इस तरह करके रख लेंगे, और बार बार वैसे बहुत सारा भी एक बार काट लेंगे, काटने में आसानी हो। ये हमारा पेपर पैटर्न हमारे कटिंग में हेल्प करता है, बस इसका यही यूज़ है, बता दिए।